राजधानी रांची स्थित डंगरा टोली चौक में कुमार चाय वाले का दुकान का उद्घाटन रांची के लोकप्रिय विधायक सीपी सिंह के द्वारा किया गया। चाय की यह दुकान युवा व्यवसायी विशाल कुमार ने शुरू की है। इसमें चाय का कीमत 10 रुपये ही होगा, लेकिन खासियत यह होगा कि ना तो कुल्हड़ इसमें रहेंगे और ना ही आपको प्लास्टिक, कागज या थर्माकोल के कप मिलेंगे। यहाँ सिरामिक की कपें रहेंगी जो अपने टेस्ट को बरकरार रखेगा। इस कार्य में यंगस्टर अंक ज्योतिष अभिषेक पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कर दुकान का उद्घाटन करवाया। इस मौके पे विधायक सीपी सिंह ने कहा कि धंधा या व्यवसाय में ग्राहकों के प्रति ईमानदारी जरूरी है। व्यवसाय कोई भी छोटा नहीं होता और अगर विजन सही हो तो इसमें ही तरक्की मिलती है। चाय की चुस्की लेने के बाद विधायक ने कहा कि ग्राहकों की संतुष्टि ही उनकी पूंजी होती है और अगर एक बार ग्राहक संतुष्ट हो गए तो दुकान चल पड़ेगी। सिरामिक के कप में चाय का यह कंसेप्ट अपने आप में नया है और इसको करने के लिए युवा व्यवसायी विशाल कुमार ने शुरुआत की है। आपको बताते चलें कि विशाल कुमार MBA भी किए हुए हैं और उसके बाद इस तरह का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। जिस तरह चाय की चर्चा पूरे विश्व में चल रही है और जो युवक हैं अब धीरे धीरे जो मुहिम था उस मुहिम में जुड़ते जा रहे हैं। देखिए, लोग चाय को बड़ा थोड़ा बिलो स्टैंडर्ड समझते हैं, ये गलती है। व्यापार व्यापार होता है। आप चाय का दुकान खोल करके व्यापार कीजिए तो उसमें यदि विजन होगा तो फिर वो पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने भी कभी चाय पीने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन MBA चाय वाला अब उसका फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोग परेशान हैं। तो उसकी जो लक्ष्य रही होगी, उसका जो विजन रहा होगा, जिसके कारण आज पूरे देश में चर्चित हो गया। तो आप किसी भी क्षेत्र में एक ठेला पर यदि कोई व्यक्ति बर्रा धुसका बेच रहा है तो लोग सोचते हैं वो ठेला वाला है। अरे भैया, ठेला वाला नहीं है। आप जाके देखिए, एक ठेला पर 8-8 लोगों को रोजगार दिए हुए हैं। आप चल जाइए, आप इसी रोड में कोना पर संजीवर्स कॉलेज के सामने रामू चाट है, उसके ठेला पर 8 आदमी काम करते हैं। तो कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। हर आदमी अंबानी और अडानी नहीं हो सकता है, लेकिन उनका भी इतिहास देखिएगा तो बहुत छोटे से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। इसलिए ईमानदारी से काम कीजिए, प्रगति होगी, सफलता आपके पांव चूमे। जिस तरह का क्षेत्र है यहाँ पे स्टूडेंट का हब है, ऐसे में कुमार चाय वाले को क्या शुभकामना देना चाहूँगा? मैं तो यही शुभकामना दूंगा कि कुमार चाय वाला दिन दुनी रात चौगुनी बढ़े और कुमार चाय वाला का फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोगों की लाइन लगे। कुमार चाय वाले का कॉन्सेप्ट कैसे आया? देखिए, कंसेप्ट तो ये काफ़ी पहले से है, कुछ नया नहीं है, कंसेप्ट पुराना ही है हमारा। बस क्या है ना, दिन की शुरुआत एक चाय से लोगों की अच्छी होती है, तो एक अच्छा चाय देने की कंसेप्ट ये चालू किया गया। इसमें हमारा डिफरेंस क्या होगा, जो रेट हमारा है वो 10 रुपये ही है, जो सभी जगह में मिलते हैं, जो लोग प्रीफर करते हैं। रेट अगर 15, 20, 50 करते हैं तो वो लोगों के सभी लोगों के पॉकेट में नहीं आ पाती है। तो ये रेट हमारा 10 ही रुपये रहेगा, सिर्फ मार्जिन हमारा कम हो जाता है। जो ज़्यादा, जैसे अगर कहीं छोटे जगह पर पीते हैं आप ठेला वगैरह पे, तो 10 में मिलता है तो 5 का बनता है, 5 का फायदा। हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम रखा है हमने। टेस्ट हमारा जो यूनिक रहेगा, टेस्ट हमारा यूनिक है, अपना मसाला है और हर चीज़ जो है वो नाप तोल के बना हुआ है।
ये डिफरेंस करेगा जो हर एक टाइम पे कितने टाइम पे चीनी डालना है, कितने टाइम पे चाय पत्ती डालना है, कितने टाइम पे मसाला डालना है, कितना देर खौलाना है, ये सब कंसेप्ट है। तो ये एक ही टेस्ट हमेशा आपको मिलेगा। बाकी सब जगह क्या होता है, टेस्ट डिफर कर जाता है। आज पियेंगे तो अलग टेस्ट, कल पियेंगे तो दूसरा टेस्ट। इसके अलावा जो हमने कप यूज़ किया वो सिरामिक कप है हमारा। बाकी सब कप में क्या होता है, कागज़ के कप में या फिर जो मटका वाला होता है उसमें पोर्स होते हैं जो कि वो टेस्ट और स्मेल उसका खींच लेता है। सिरामिक कप में वो टेस्ट नहीं खींचता। तो जो टेस्ट हम डालेंगे वही टेस्ट आपको मिलेगा। स्पेशल क्या है? स्पेशल इसमें एक मसाला है और हमारा टाइमिंग है जो इसको बनाता है एक ही टेस्ट हमेशा।